हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म एक्सट्रीम को। एक्सट्रीम ये एक ब्रांड न्यू एक्शन एडवेंचर क्राइम फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है डैनियल बैनमेयर ने। तो वहीं फिल्म की कास्ट में है टेओ गार्सिया, आंद्रे ट्यूरो, ऑस्कर कैसिस एंड ऑस्कर जेनेदा। तो फ्रेंड्स, कहानी फोकस करती है एक रिटायर हिटमैन मैक्स पर, जो करीब 2 साल तक ट्रेनिंग करने के बाद अब लौट आया है अपने गैंगस्टर सौतेले भाई लुसैरो से बदला लेने। तो आखिर पास्ट में ऐसा क्या हुआ था कि मैक्स को लुसैरो से बदला लेना है, और क्या मैक्स अपने इस मकसद में कामयाब हो पाता है या नहीं? कुछ इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आपको इस फिल्म को ही देखना होगा, जिसका नाम है एक्सट्रीम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज किया गया है, जिसका हिंदी डब काफी ज्यादा बढ़िया है। और रहा सवाल फैमिली के साथ देखने का, तो फिल्म में काफी सारे ब्रूटल एक्शन सीन्स हैं, जिनके चलते मुझे नहीं लगता कि आप इस फिल्म को फैमिली के साथ देखना चाहोगे। तो फ्रेंड्स, अब बात करूँ फिल्म की, तो बिना घुमाए फिराए सीधा सीधा कहूँ तो ये एक एंटरटेनिंग एक्शन पैक फिल्म है, जिसे पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ मार्सिस ऑडियंस को ही ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो इस टाइप की ब्रूटल एक्शन सीन से भरी हुई एक्शन पैक फिल्में देखना पसंद करते हैं, जिनमें नेटफ्लिक्स की एक्सट्रैक्शन और सिक्स अंडरग्राउंड जैसी फिल्में शामिल है। और अब एक्सट्रीम भी उन्हीं फिल्मों में से एक है, जिसे मार्सिस ऑडियंस को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और हाँ, उन्हें भी जो लोग एक्शन फिल्म देखना पसंद करते हैं, क्योंकि फिल्म में एक या दो नहीं काफी सारे ब्रूटल एक्शन सीन्स हैं, जिन्हें काफी अच्छे से शूट किया गया है, स्पेशली फिल्म के लास्ट के 45 से 50 मिनट, जिनमें आपको बैक टू बैक एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे, जिनमें से मुझे शॉर्ट फाइट सीन काफी ज्यादा पसंद आया। तो वहीं बात करूं डायरेक्शन की, तो फिल्म के एक्शन और बजट के हिसाब से फिल्म का डायरेक्शन काफी ज्यादा बढ़िया है। और अब बात करूं एक्टिंग की, तो फिल्म में सभी की परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, ना कि ज्यादा ग्रेट। पर किसी की तारीफ करनी हो तो वो होंगे एक्टर ऑस्कर जेनेदा, जिन्होंने एक गैंगस्टर के रोल को बहुत नहीं बल्कि काफी अच्छे से प्ले किया। तो वहीं बात करूं कैरेक्टर डेवलपमेंट की, तो उसमें ये फिल्म पूरी तरीके से मार खाती है, क्योंकि फिल्म में इमोशनल एंगल तो डाला गया है पर किसी भी कैरेक्टर को अच्छे से डेवलप नहीं किया गया है, जिस वजह से ना ही हम उनसे कनेक्ट हो पाते हैं और ना ही उनके लिए बुरा फील करते हैं। पर जैसा कि मैंने कहा कि ये मार्सिस ऑडियंस और एक्शन मूवीज लवर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई फिल्म है, जिनके हिसाब से फिल्म के कैरेक्टर्स को काफी अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया है, जिसके चलते फिल्म का हर एक कैरेक्टर आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करूँ फिल्म के वीक पॉइंट की, जिसमें सबसे पहले आएगा फिल्म का प्लॉट, जो पुराना है और काफी ज्यादा सिंपल और प्रेडिक्टेबल भी, जिसे हमने इससे पहले भी काफी सारी फिल्मों में देख रखा है। और अब बात करूँ फिल्म के एक और वीक पॉइंट की, तो वो है फिल्म की लेंथ, जो मुझे थोड़ी ज्यादा लगी। पर जैसा कि मैंने कहा था कि फिल्म में एक्शन काफी ज्यादा है, जिस वजह से फिल्म के इस वीक पॉइंट पर आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। और अब बचा फिल्म का BGM, जो अच्छा है, स्पेशली फिल्म के एक्शन सीन्स में, जो आपको पसंद आएगा। तो ओवरऑल मेरी नज़र में ये एक एंटरटेनिंग एक्शन पैक फिल्म है, जिसे आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए अगर आप एक्शन फिल्म्स देखना पसंद करते हैं। फिल्म एक्सट्रीम को मैं दूंगा 3 स्टार्स। तो फ्रेंड्स, ये था नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म एक्सट्रीम को लेकर मेरा रिव्यू। पर अगर आपने ये फिल्म पहले से ही देख रखी है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आपको ये फिल्म कैसी लगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।